तो आज हम बनाएंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये कौन सा है? वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। कैसे पता लग रहा है? ठीक है, हाँ, सिर्फ हम सिंगल साइड एक एक पॉइंट पे देख रहे हैं सीधा। ठीक है, ये है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसे बनाना कैसे? ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लेयर ले ली है। ठीक है, हम इस इमेज को लॉक कर देते हैं, एक नई लेयर बना लेते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल रखेंगे, समझ रहे हो इतनी बात हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है पर्सपेक्टिव टूल, इस पर क्लिक करेंगे, ये टूल ओपन हो जाता है कुछ ऐसे। ये कौन सा पर्सपेक्टिव है? ये कौन सा पर्सपेक्टिव है? ये तीन है? नहीं, दो ही पर्सपेक्टिव है, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है ये। ठीक है, तो मुझे जाना है, अगर मुझे चाहिए वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, है ना, हम वन चाहिए ना हमें, तो मैं जाता हूँ व्यू में। ठीक है, यहाँ पे आती है पर्सपेक्टिव ग्रिड, यहाँ पे वन पॉइंट कर देना इसको। वन पॉइंट आ गया, समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, अब ये वन पॉइंट हमें कहाँ तक चाहिए, इसको मूव कर सकता हूँ मैं ऐसे करके। मुझे ये पूरे आर्ट बोर्ड पे बनाना है, इसको मूव कर सकता हूँ इधर, मुझे यहाँ तक बनाना है, समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, मैं पहले क्या बनाऊँगा, ये एक पार्ट बनाऊँगा इतना। ठीक है, फिर ये साइड बनाऊँगा, फिर इधर की साइड बाद में बनाएंगे हम, समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, तो हमने बनाना स्टार्ट कर देना। मैंने एक बॉक्स लेना है पीछे, मैंने रेक्टेंगल लिया, ये आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है एक। ठीक है, अगर मुझे नीचे ड्रॉ करना है तो मैं इधर क्लिक करूँगा, फिर नीचे ड्रॉ होना स्टार्ट होगा। कैसे? मुझे ये बनाना है फ्लोर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये फ्लोर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ कुछ यहाँ से। देख रहे हो फ्लोर कैसे बन रहा है? प्रॉपर बन रहा है ना, यहाँ तक बन गया। ठीक है, तो सही दरवाजा जो आपने डिलीट मार इसमें दिया। कलर कर देंगे, डिलीट नहीं मारा, वो अपने आप ही क्रिएट, समझ रहे हो बात। ठीक है, हमने पीछे वाला बॉक्स बनाना है। ठीक है, हम रेक्टेंगल लेंगे, अब इस पे मैं क्लिक करूँगा तो फ्रंट पे बनेंगी चीज़ें। ये जो सर्कल है ना, पूरा गोल सर्कल, देख रहे हो, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो वो गोल सर्कल पे कलर नहीं आ रहा, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ सर्कल पे कलर आ रहा है, मतलब पूरा सीधा सीधा ही बनेगा, रेक्टेंगल जैसा बनाना है। सीधा है ना ये, तो मैं, हाँ, तो सीधा बनाऊँगा ऐसे फ्रंट पे, तो देख रहे हो बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे, इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, मुझे छत बनानी है। ठीक है, छत बनानी है ना ऊपर को, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, अब मैं बनाने लगूँगा छत, पर छत नहीं बनेगी अभी, दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है नीचे पड़ा है। ठीक है, डीसेलेक्ट कर देना पहले तो जो बनाया हमने। ठीक है, उसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, अलग दिखे थोड़ा सा। ठीक है, कुछ ऐसा, समझ रहे हो बात, वो अलग दिखना चाहिए थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया, नीचे नीचे अगर मुझे छत बनानी है तो मैं नीचे वाला क्लिक करूँगा छत बनाने के लिए। ठीक है, ये छत बनानी है जो, तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे छत। ठीक है, ये लो, छत बनी, समझ रहे हो बात। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही, ऐसे करनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर कर देता हूँ, बिल्कुल डार्क कलर या बिल्कुल लाइट कलर कर देते हैं, समझ आ रही है इतनी बात। ठीक है, हमें इस साइड वाली ये दीवार बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल लूँगा, अब इस पे क्लिक करूँगा, साइड चीज़ बनानी है हमें साइड वाली, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। बन रही है साइड दीवार, प्रॉपर बन रहा है, देख रहे हो सारा कुछ बहुत बढ़िया, डार्क कलर कर देते। ठीक है, अपने आप ही सेट कर रहा है ना वो, पर्सपेक्टिव टूल है वो, तो पर्सपेक्टिव में ही बनाएगा हर रेक्टेंगल जो बनाऊंगा मैं। अब मुझे इस साइड वाली दीवार बनानी है। ठीक है, तो मैंने रेक्टेंगल लिया, मैं बना के देखता हूँ यहाँ पे, लो, जरूरत ही नहीं है, बना दी ना उसने, दिक्कत कहाँ आ रही है फिर। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, मुझे टेबल बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल बनाता हूँ। अब देखो ये सीधा सीधा बना रहा है ना, मुझे क्या चाहिए, ऐसे लिटा के बनाना, तो कहाँ, इस पे क्लिक करना, लिटा के बनाना, तो यहाँ से ऐसे लिटा के टेबल बना देंगे, बन रहा है। ठीक है, अब ये टेबल में डेप्थ आ रही है, फील आ रही है थोड़ी सी, तो एक तो लेट गया ये। ठीक है, दूसरी शेप कौन सी है? फ्रंट है पूरा, नीचे वाली नहीं है, फ्रंट वाली शेप है, समझ रहे हो बात। ठीक है, तो हमने फ्रंट पे यहाँ पे क्लिक करके फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है फ्रंट पे, अब समझ रहे हो इतनी बात। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं कुछ ऐसे, इतनी बात समझ आ रही है, लग रहा है टेबल? ठीक
ठीक है, हमने ये पैर बनाना है। अभी ये कौन सा पैर है, इधर वाला, ये वाला कौन से हैं, ये फ्रंट वाले हैं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, फ्रंट वाले हैं, समझ रहे हो बात। तो फ्रंट पे ही क्लिक करके हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देने हैं कुछ ऐसे। ठीक है, इस पर कलर चेंज कर देंगे, काफ़ी डार्क रख देंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, एक और रेक्टेंगल लूँगा, नहीं तो आप इसी को कॉपी कर सकते हो क्योंकि फ्रंट में ही है ना। फ्रंट वाला कॉपी कर सकते हो, जो पर्सपेक्टिव में वो कॉपी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, दोबारा था मैंने, कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। ऑल्ट के साथ मैंने कॉपी कर, कॉपी नहीं कर सकते, जैसे होती नहीं है ये देखो। कर तो सकते हैं, हो तो जाएगी, पर वो सही नहीं सेट हो वहाँ पे, सेट नहीं सही। हाँ, तो अब ये कौन सा है, ये वाला पार्ट है जो पैर का दिख रहा है, उसके बैक नहीं है, साइड वाला। साइड पे क्लिक करेंगे, साइड पे क्लिक करके बनाएंगे, बन रहा है। हाँ, ये काट देंगे हम शेप बिल्डर टूल से, अभी नहीं कट करेंगे, बाद में कट करेंगे। हाँ नहीं, ऐसे तो इसको मैं पीछे कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ रहा है कुछ, टेंशन नहीं लेनी, फील आनी चाहिए, समझ रहे हो बात, ऐसे कर, समझ आ रही है बात। ठीक है, इस साइड बनाना है हमने, मैं यही रेक्टेंगल टूल लूँगा, नहीं कॉपी नहीं होगा ये, मैं बता तो रहा हूँ, कॉपी नहीं। अब देखो कहाँ पे बनाना है हमने, यहाँ पे बनाना है ना, तो यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, साइड पे बनाना है, ऊपर नहीं, साइड। समझ रहे हो बात में, इस पे भी सेम कलर चाहिए। मैं आई ड्रॉपर टूल से कलर पिक कर देता हूँ, इसको पीछे करना है, पीछे कर देंगे, फील आनी चाहिए, समझ रहे हो इतनी बात, बन गया। ठीक है, ठीक है, ये पीछे वाले पैर बने हुए, ये कैसे है, ये कौन सा फेस है, फ्रंट वाले ही हैं पहले, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम रेक्टेंगल टूल लेंगे ऐसे करके, ठीक है, हम फ्रंट वाले बनाएंगे पहले। ठीक है, मैं फ्रंट वाले बना दिए, दो पैर छोटे बनाएंगे ना ये, क्योंकि पीछे से छोटे दिखते हैं चीज़ें, समझ रहे हो बात। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब हमने कौन से बनाने, साइड वाले, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने थोड़ी साइड बनानी है इसकी, ऐसे कुछ करना। दोनों सेम ही बनाई मैंने, ठीक है, पीछे कर देता हूँ इसको, मैं पीछे कर दिया मैंने, इस पर थोड़ा सा लाइट कलर कर देंगे, समझ रहे हो इतनी बात। आ रही है फील टेबल की, ठीक है, ऐसे करेंगे, बात समझ आ रही। ठीक है, ये खिड़की बनानी है मैंने, कैसे बनेगी, पहले मैं खिड़की का ये वाले पार्ट बनाता हूँ ना, जो बाहर जा रहे हैं ऐसे दिखना चाहिए, थोड़ी फील आनी चाहिए। कैसे बनाऊँगा, ये वाला, ये कौन सा है, फ्रंट वाला है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फ्रंट वाला पार्ट बनाते हैं, यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करके, ठीक है, फ्रंट वाला बना दिया हमने। ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कौन सा है, बताओ जल्दी से। अब ये दोनों बनाने हैं ना हमने, कौन से हैं ये नीचे वाले हैं दोनों, एक नीचे को बनेगा, एक ऊपर को बनेगा। ठीक है, एक ऊपर को बनेगा, ये वाला पार्ट बना ले हम इतना, ये भी फ्रंट वाला ही है, फ्रंट वाला बना लेते हैं पहले, फिर
फिर सेट करेंगे। यहाँ पे बने आएंगे ठीक है। हमें ये कट करना पड़ेगा ठीक है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक साइड वाला बनेगा ठीक है, साइड वाला इस पर क्लिक करके इसको डी सेलेक्ट कर दिया करो ना, पहले ऐसे डी सेलेक्ट कर दो फिर बनाओ। साइड वाला बनाना है, इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा मैं बना के ठीक है, ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देते कुछ ऐसे, समझ रहे हो बात। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करना, दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से इसको माइनस कर देना। बन रही है वो फीड ठीक है। अब हमने ये वाला पार्ट बनाना है, अपर पार्ट, तो मैं अपर वाला भी बना देता हूँ यहाँ तक। फील नहीं आ रही वो, पहले क्या करते हैं, अपर वाला पार्ट है जो ये वाले बनाता हूँ, ये वाला है ना, ये साइड है, तो मैं साइड बनाता हूँ पहले। ठीक है कुछ ऐसे, समझ रहे हो मान लो, देखा जैसी साइड बनाई, अब मुझे ये टेढ़ा लग रहा है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इसको ऊपर कर दूँगा थोड़ा सा, समझ रहे हो मान लो, ये फील आनी थी यहाँ पे, इस पे थोड़ा ये सेम कलर कर देता हूँ, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ। बनिए ठीक है। अब हमें नीचे वाला ये पार्ट बनाना है, साइड वाला है ना, ऊपर वाला, ऊपर वाले पे नीचे वाला सेलेक्ट करके बनाएंगे, समझ रहे हो बात में। ये शेप बिल्डर से कट कर देंगे इसको, इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, हैं सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उसको पीछे करना है फिर मैंने। ठीक है इसके आगे आएगा ये थोड़ा सा, इसीलिए वो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। कहाँ पे बना दिया हमने, साइड पे बना दिया लगता है, गलत बना दिया, नीचे बना, नीचे अब सही आ रहा है ठीक है, ऐसे करके सेट कर सकते हो। ये जो बैक वाले बनाए ना, इनको लॉक कर दो, फिर आसानी होगी सिलेक्शन वगैरह करने में। मैं लॉक कर दूंगा, फिर मैं इसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। शेप बिल्डर टूल लो, इसको माइनस करो, सेट नहीं करना हमने, वहाँ कर देते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं। नीचे कर दूंगा ना उसको मैं, नीचे कर देंगे ठीक है कुछ ऐसे। ये भी ऊपर है पॉइंट, इसके भी पीछे कर दो इसको, नहीं तो इसको आगे कर दो। समझ रहे हो बात में, कंट्रोल दबा के सर कर सो ऊपर नीचे करके देर ऊपर नीचे होती है। हाँ कंट्रोल और करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स।
ठीक है, ये वाला भी बनाना है हमें पार्ट, कैसे उठा सकते हैं, डार्क सा पार्ट है इसी लाइन का, नीचे को बनाएंगे कुछ ऐसे, ये डार्क पार्ट, सेम कलर चाहिए हमें कुछ ऐसा, बन तो गया सही, फील आनी चाहिए। हाँ चेंज कर सकते हो आप। तो अलग कलर होना चाहिए ना विंडो का, बहुत बड़ी। ठीक है, तो हमने कैसे करना है, शेप बिल्डर टूल लेना है, सेलेक्ट कर लेना इनको, ठीक है, शेप बिल्डर टूल लेना है, इसका कलर अलग कर देना है इतने का, माइनस नहीं सिंगल प्लस करना है, प्लस करना। हाँ हाँ वही तो, ठीक है कुछ ऐसे, समझ रहे हो इतनी बात, फील आ रहा ना खिड़की है वो, ठीक है, इधर से गेट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड वाले पे बनाना है बस, ये बन गया गेट, ठीक है, एक और बनाना है उसके अंदर, बन गया उसके अंदर एक और, कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट कर देते हैं उसका, ठीक है, ये ग्रिड को हाइड करना है हमने, इसका शॉर्टकट क्या है दिखा देता हूँ, व्यू पे जाता हूँ यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड पे, ये देखो ग्रिड हाइड का शॉर्टकट है, शिफ्ट कंट्रोल आई क्लिक कर देंगे हाइड हो जाएगी, समझ रहे हो बात, ये फील आ रही है ना थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, स्मार्ट गाइड तो अलग है, ठीक है ये, हाँ ये पर्सपेक्टिव में हेल्प करती है, ठीक है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, जैसे ये टेक्सचर वगैरह दे रखा है आप सेलेक्ट करो, इफेक्ट में जाओ, टेक्सचर में जाना है हमने, ठीक है, टेक्सचर वगैरह बहुत सारे पड़े हैं यहाँ पे, जैसा आपको टेक्सचर चाहिए, मुझे टाइल्स का चाहिए, ठीक है मैं टाइल्स का ले लेता हूँ, ठीक है, लो टाइल्स का टेक्सचर डाल दिया हमने, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे ब्राउन सा कर देता हूँ, फील सी आए, ठीक है, ठीक है टेक्सचर में जाना, ठीक है ये टाइलों का टेक्सचर डाल देंगे यहाँ, ठीक है लो, ठीक है टेक्सचर डाल, मज़ा नहीं आ रहा, चेंज कर देंगे हम इसको, चेंज कर देंगे इस पे टेक्सचर, अपेरेंस पे जाएंगे, ये टेक्सचर खोलेंगे यहाँ से, कौन सा लगाना है बताओ नीचे, चेंज कर देंगे, ठीक है ये सही लग रहा है, टेक्सचर पे जाएंगे, और भी टेक्सचर पड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे, ये दीवार पे कुछ, ये सही लग रहा है बैक, क्या बात है, प्लेन होती है ऊपर वाली दीवार, समझ रहे हो बात, ठीक है, ये जो बनी हुई है ये तो सीधी बनी हुई है, तो आप इस पर्सपेक्टिव ग्रिड बंद करके इसको बना सकते हो, कैसे बनाना है, बहुत बढ़िया, नाइस, एलिप्स बना रखा है ये तो, ठीक है, उसके ऊपर ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है, इसको राउंड करना है ऊपर से, राउंड कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ ऊपर से करना है, तो सिंगल को सेलेक्ट करना है, ऊपर से राउंड करना है सिर्फ, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है ऐसे करके, ठीक है, ये तो बहुत छोटा है यार, हमने बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर देंगे इसको, ठीक
ठीक है, कुछ ऐसा, समझ रहे हो बात में? ठीक है, यहाँ से पेन टूल लेंगे, ये ना थोड़ा राउंड करने वाला है, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे, ऑल्ट के साथ राउंड कर देंगे इसको कुछ ऐसा, ऑल्ट के साथ इसको भी राउंड कर देंगे कुछ ऐसा, समझ रहे हो? इलिप्स था, हाँ नीचे तो इलिप्स रखा था मैंने, ठीक है, यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल रख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये एक सर्कल रखा हुआ, ये भी मैं इलिप्स रख देता हूँ ऐसे करके, समझ रहे हो? आने ठीक है, सबको सेलेक्ट करते हैं, विंडोज़ में जाते हैं, पाथ फाइंडर में जाते हैं, मर्ज कर देते हैं सबको, मर्ज कर दिया मैंने, समझ रहे हो इतनी बात? हाँ, एक साथ हो गए सारे, हैं? हाँ ग्रुप जो करना कर सकते हो आप, हाँ मर्ज हट जाएगी, हाँ लाइनें हट जाएगी, बहुत बढ़िया, सीख रहे हैं अब धीरे धीरे असर हो। बहुत बढ़िया, मतलब काफी, मतलब दिमाग लगा रहे हो, कैसा लगा? बनाएंगे, सब बनाएंगे, सब बन जाएगा यहाँ, समझ रहे हो? क्या हुआ? पंखा तो है भी नहीं, बल्ब है, दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें करे जा रहा है ये? खुद का बनाया ना फिर ये, ठीक है, इसकी शेडो आ रही है ना यहाँ पे, तो शेडो भी बना सकते हैं, पीछे कर देता हूँ इसको उसके, ठीक है, और इसको कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, बहुत खतरनाक है, काफी खतरनाक है, ठीक है, समझ रहे हो बात? ठीक है, ऐसे बना के लेके आना है, ठीक है।